गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज व्यावसायिक अध्ययन में हमारी जो प्रबंध की प्रकृति टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि पेशेवर प्रबंधक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रबंध की प्रकृति का अगला पॉइंट, जिसका नाम है प्रबंध की सार्वभौमिकता। प्रबंध की सार्वभौमिकता यानी आपको मैंने बताया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध सभी स्थानों पर अवश्य रूप से पाया जाता है तथा उसको करने वाला प्रबंधक भी हर स्थान पर पाया जाता है। यदि आप उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रबंध अवश्य वहाँ विद्यमान होगा। अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह अवश्य रूप से किसी न किसी रूप में वहाँ विद्यमान होता है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आइए पढ़ते हैं प्रबंध की प्रकृति कि प्रबंध क्या है। सार्वभौमिक क्रिया है। कैसे है? सबसे पहले सार्वभौमिकता का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। सार्वभौमिकता का मतलब होता है किसी भी ज्ञान का हर स्थान पर, जहाँ पर उद्देश्यपूर्ण क्रिया की जाती है वहाँ पर समान रूप से लागू होना, उसका प्रयोग में लेना। यानी सार्वभौमिकता का मतलब होता है किसी ज्ञान का सभी जगह पर एक समान रूप से लागू होना क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता कहलाता है। अब आता है प्रबंध की सार्वभौमिकता। प्रबंध की सार्वभौमिकता, इसके संदर्भ में हमारे विद्वानों के मत अलग अलग रहे हैं। कहते हैं, जैसे मैंने ही अभी आपको बोला कि जहाँ भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको प्रबंध अवश्य रूप से चाहिए। अगर क्रियाओं में प्रबंध नहीं होगा तो हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रबंध है वो सभी जगह पाया जाता है, लेकिन विद्वानों का मत है कि इसकी सार्वभौमिकता के विषय में दो पक्ष आते हैं। एक पक्ष में इसके बोलता है, कुछ विद्वान इसके विपक्ष में बोलते हैं। पक्षकार जो होते हैं वो बोलते हैं कि प्रबंध इज़ एवरीवेयर, प्रबंध सर्वत्र रूप से समान रूप से सभी स्थानों पर लागू किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले पक्ष को पढ़ते हैं। पक्ष के अंदर जो हमारे हैं थियो ह्यूमैन, उन्होंने बोला है कि प्रबंध सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। उन्होंने अपने पक्ष में जो तर्क दिए वो उनके तर्क जो हैं, उसमें पहला तर्क उन्होंने दिया कि प्रबंध की प्रक्रिया जो है, प्रबंध की जो प्रक्रिया है जिसमें हमने आपको बताया था नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये जो क्रिया है, जब भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समूह बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है, तो प्रबंध की प्रक्रिया सभी स्थानों पर सर्वत्र रूप से पाई जाती है। यानी प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इनका ये मानना है। दूसरा, इन्होंने बताया कि प्रबंध के सिद्धांत, जब भी कोई प्रबंधक प्रबंध के कार्य करता है तो उसको अपने सामने उपस्थित समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रबंधकीय ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का सभी स्थानों पर प्रयोग करना होता है। अब प्रबंध के सिद्धांत वो किस प्रकार से काम में लेगा, ये उसके सामने उपस्थित समस्या, उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। कहीं पर बहुत सारे सिद्धांतों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, कहीं पर हमारा एक सिद्धांत है उसी से ही आप प्रयोग में लेकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो थियो ह्यूमैन है, इन्होंने प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क दिए। वहीं दूसरी बात करते हैं जो कहते हैं कि प्रबंध सभी स्थानों पर नहीं पाया जाता है, तो विपक्ष में जो है स्टीफन रॉबिन्सन जो हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ 5 दर्जन यानी 60 से ज़्यादा प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो क्या सभी 5 दर्जन सिद्धांतों को प्रबंधक कार्य में लेता है? वो कहता है नहीं, 5 दर्जन सिद्धांत है, इतनी संख्या में हैं, इनको सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से कार्य में नहीं लिया जा सकता है। उनका मानना है कि प्रबंध के सिद्धांत पाए जाते हैं, प्रबंधक अपनी क्रियाओं में सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह परीक्षण की सार्वभौमिकता जो है सभी स्थान पर जो पाई जाती है, वो कहते हैं सार्वभौमिकता के परीक्षण पर वे खरे उतरते नहीं हैं। उसके पीछे कारण है, कहते हैं कि एक ही प्रकार के सिद्धांत को आप अगर सभी स्थानों पर प्रयोग में लेंगे तो आपके समान परिणाम नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश उसमें कार्य करने, उसकी संस्कृति, उसका आकार, वहाँ के लोगों की रहने की सोच, ये सब बहुत डिफरेंट होती है। तो एक ही समान प्रकार के सिद्धांतों को सभी स्थानों पर सर्वत्र लागू करके समान परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा होती है कि हमारा जो प्रबंध प्रक्रिया है वो पूरी तरह मानवीय विशेषताओं से संबंधित है।
मानव का जो विचार है, उसकी अपेक्षाएं हैं, उसके कार्य करने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट होता है। उसकी सोच क्या है, उसको समझना, उसके अनुसार उससे काम लेना आसान नहीं। तो कहते हैं कि एक तो वातावरण ही परिवर्तनशील है, एक स्थान पर ही एक व्यक्ति की सोच कुछ हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की सोच कुछ हो सकती है, एक ही स्थान पर दो संगठन हैं उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम प्रबंध को सार्वभौमिकता के साथ कैसे उपयोग में ले सकते हैं, ऐसा मानना है हमारे स्टीफन रॉबिन्सन। और बताया गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जो हमारे प्रतिपादक, जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने जितने सिद्धांत बनाए हैं वो उन्होंने अपने देश के अकॉर्डिंग बनाए। तो क्या अमेरिका के अंदर जो सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं, क्या वो भारत की परिस्थितियों में भी लागू किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों को कार्य करने का तरीका वो बहुत अलग होता है। जबकि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का आकार प्रकार, हमारे देश की जलवायु, हमारे रिसोर्सेज, ये सारी चीज़, हमारे दृष्टिकोण, ये बहुत डिफरेंट है। आप देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ महत्वपूर्ण होता है, जबकि एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के भले की बात भी सोची जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, प्रबंध इज एवरीवेयर कहना, बहुत प्रबंध सार्वभौमिकता के साथ लागू किए जा सकते हैं ये कहना ठीक नहीं होता है, ऐसा इनका मानना है। तो हमारे अलग अलग विद्वान हैं, इनकी अलग अलग राय है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध की सार्वभौमिकता से साथ लागू किया जा सकता है। हाँ, प्रबंध करने के नज़रिए अलग हो सकते हैं, प्रबंधकों के सामने उपस्थित परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, एक ही स्थान के दो संगठनों के अंदर एक प्रकार के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां दोनों की अलग अलग। लेकिन बिना प्रबंध के आप सोचें कि सफलता हासिल की जा सकती है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात है कि प्रबंध की सार्वभौमिकता को लागू करना या ना लागू करना, इसके कुछ कारक हैं जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो वो कारक हम आपको समझाएंगे, तब आपको समझ में और आ जाएगा कि प्रबंध की सार्वभौमिकता क्या है। लेकिन फिर भी हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी स्थानों पर पाई जाती है, इसे सार्वभौमिकता के साथ लागू किया जा सकता है, परंतु बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। थैंक यू बच्चों, कल हम पढ़ते हैं हमारे सार्वभौमिकता के लागू करने के कारकों के बारे में। थैंक यू बच्चों।